गांव शहर में थमी जिंदगी की रफ्तार। सड़क पत्थर बहा बेबस इंसान बरस रहा आसमां, ये बेबसी कब रुकेगी? जंग कब तक लड़ेगी जिंदगी? मानसून देश के कई इलाकों से लौटने लगता है, या यूं कहें कि बारिश का मौसम खत्म होने लगता है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा है। अक्टूबर के महीने में भी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान बरस रहा है। अक्टूबर के महीने में इतनी ज्यादा बारिश इससे पहले शायद ही कभी किसी ने देखी होगी। केरल से लेकर उत्तराखंड तक लौटते हुए मानसून ने जमकर तबाही मचाई है और हालात ये हैं कि सड़कों और घरों में पानी भर जाने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं या फिर अपने घरों में ही कैद हैं। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो बताती हैं आसमान से बारिश के साथ साथ आफत भी बरस रही है। उत्तराखंड में अब भी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। चंपावत के टनकपुर में नदी किनारे बसे घरों में बाढ़ की वजह से चार चार फीट तक मिट्टी भर गई है। लोग घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। तो वहीं मौसम की बेरुखी की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी सब्जी और जरूरी सामान की सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। रास्ते बंद हैं, जिसे खोलने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है ताकि रास्ता साफ हो सके, बिना किसी रुकावट के जरूरी सामान की सप्लाई होती रहे। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा नैनीताल जिले में मौतें हुई हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट है। छुट्टियों में घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति पर्यटकों को खूब भाता है, लेकिन इस बार तेज बारिश और बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट चुका है। स्थिति ये हो गई है कि अब पर्यटकों को यहाँ न आने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पहले से आए सैलानी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है उड़ीसा की, जहाँ लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से बाढ़ का पानी गांव में भर गया है और धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। इस इलाके के ज्यादातर गाँव में कच्चे मकान है और लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी उपलों का इस्तेमाल करते हैं। बारिश की वजह से अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की है, क्योंकि लकड़ियां और उपले पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। इन इलाकों में पक्की सड़कें नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहाँ बाढ़ के कहर से 50 से भी ज्यादा गाँव जूझ रहे हैं। घर, बाजार, खेत, खलिहान, जिधर भी आपकी नजर जाएगी बस पानी पानी नजर आएगा। मैंने बताया कि 5-6 गांव को छोड़ के बाकी सब जगह पे पानी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। 50 से ज्यादा गांव पानी से अभी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आया जाया जा सकता है। 5-6 गांव ही ऐसे जहां पे बिना बोट के नहीं जाया जा सकता। तो वहीं नेपाल से छोड़े गए 5.5 लाख क्यूसेक पानी का असर भी बाराबंकी और लखीमपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ भी हालात बाढ़ जैसे है। केरल में बाढ़ और बारिश से लोगों को अभी निजात नहीं मिली है। पिछले 24 घंटे में केरल के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने केरल के पथनमथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की, पलक्कड़, कोझिकोड, वायनाड और किन्नूर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुजा, एर्नाकुलम, त्रिशूर और कोझिकोड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। केरल में अब तक बाढ़ और बारिश से 40 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, और अगर मौसम की बेरुखी ऐसी ही चलती रही तो केरल के लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।